नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, आज तारीख है 17 अक्टूबर और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेडीयू को चुनाव चिन्ह मिला है। ये कहां मिला है वो भी हम आपको इस आगे के वीडियो में बताएंगे। और देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, किसे कितनी सीटें मिली है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव को आखिर अचानक अपनी यात्रा को क्यों रद्द करना पड़ा, क्या वो कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही बीते दिन बिहार में शराब से कई लोगों की जान गई है, इसके पीछे जिम्मेवार कौन, क्या पुलिस इसके पीछे जिम्मेवार है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक देश में डर सब पैदा हो गया है। देखिए, पप्पू यादव भी कह दिया था कि 24 घंटे के भीतर लॉरेंस बिश्नोई का वो खात्मा कर देंगे। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद है। सर, जेडीयू को चुनाव चिन्ह मिला है। देखिए, निश्चित रूप से जो झारखंड में चुनाव हो रहा है उसकी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है, तो ऐसे में झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो वहां पर जेडीयू वहां से लड़ेगी चुनाव, तो उसके लिए चुनाव आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है झारखंड में। तो झारखंड में जब जेडीयू चुनाव लड़ेगी तो उसके लिए वहां पर अलग सैंबल होगा। तो वो ऐसे तो बिहार में अगर यदि चुनाव लड़ेगी तो उसके पास में सैंबल है तिरछाप, लेकिन झारखंड में उसके लिए रसोई गैस, गैस सिलेंडर, अच्छा, चुनाव चिन्ह उसका उसको अलॉट किया गया है, यही है वहां पर। और देखिए, झारखंड में जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संजय झा जिसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और नीतीश कैबिनेट के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी झारखंड के जेडीयू में, जो है सो एनडीए में, उधर से अगर झारखंड में कहें की बात तो झारखंड में वह पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी हैं, झारखंड मामलों के प्रभारी हैं अशोक चौधरी। तो वो लोग तमाम लोग लगे हुए वहां पर। 2 सीट अभी तक एनडीए घटक दल अलायंस के रूप में जेडीयू को मिलने की बात आ रही है। एक तमाड़, जहां से राजा पीटर वही राजा पीटर हैं जो पहले एमएलए हुआ करते थे, और वह जो है सो पिछले दिनों जेडीयू में शामिल हुए थे, और उन्होंने झारखंड के कद्दावर नेता शिबू सोरेन जो कभी सांसद हुआ करते थे और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर वो ये है, तो वो उनको हराया था उन्होंने चुनाव में। तो वो एक राजा पीटर का तमाड़ से, और एक सरजू राय जो वह भी पिछले दिनों जेडीयू में शामिल हुए थे और वह जमशेदपुर से वह विधायक भी हैं, तो वह उनकी सीट, 2 सीट की बात, लेकिन तीसरी सीट की भी बात बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लगता है कि जेडीयू को 3 सीट वहां पर झारखंड में मिलेगी। और झारखंड के साथ ही देखिए, झारखंड में आपको जो चुनाव होना है विधानसभा का, और बिहार में भी जो है सो 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, तो यह पूरी तैयारी दिखाई पड़ रही है। सर, झारखंड में भी चुनाव होना है विधानसभा, हाँ, का चुनाव कितने चरणों में होगी? झारखंड में 2 फेज में चुनाव होना है। 13 नवंबर को जो है सो फर्स्ट फेज का चुनाव होगा, और 20 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव झारखंड में होगा। 2 चरण में चुनाव होगा, और जो है सो 23 नवंबर को परिणाम इसके आएंगे, दोनों जगह का, माने झारखंड में विधानसभा चुनाव के और बिहार में जो विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसके भी परिणाम उसी दिन आएंगे, एक ही दिन आएंगे। बिल्कुल सर, देखिए बिहार में भी उपचुनाव होना है, 4 सीट पर उपचुनाव होना है, ऐसे में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, किसके पास कितनी सीटें गई हैं सर? देखिए, और कौन कौन से वो उम्मीदवार होने वाले हैं? देखिए, इसको ऐसे हम लोग समझे कि चार जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 4 सीट जो है सो बक्सर से जो वहां से सुधाकर सिंह जीते, जो रामगढ़ से एमएलए हुआ करते थे, वो बक्सर से आरजेडी के सीट पर जीते। इमामगंज जो जहानाबाद में पड़ता है वहां से जीतन मांझी जीते, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संरक्षक और भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट मिनिस्टर है। बेलागंज गया, वहां से सुरेंद्र यादव आरजेडी से जीते, पहले वहां से वो विधायक हुआ करते थे। और आरा के विधानसभा क्षेत्र है तरारी, जहां से सुदामा प्रसाद भाकपा माले के उम्मीदवार जो है जीते हैं। तो यह इन 4 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन इस बार बिहार में आपको ट्रायंगुलर फाइट आपको सभी 4 सीटों पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इस बार जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी जो है सो इस उन्होंने बार भी ऐलान किया उम्मीदवार नहीं कूद गई है चुनाव में। और अभी
जैसा मालूम है कि बीते दिन एक सीट पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, वह है तरारी की सीट। तरारी से तरारी से वह अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल जो है सो एस के सिंह को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। तो एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा उन्होंने वहां पर बनाया है। अब देखिए वहां से तरारी से जनसुराज से लड़ेंगे अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह, और वहीं पर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक सुनील पांडे या उनके पुत्र विशाल पांडे को भारतीय जनता पार्टी लड़ा सकती है। अब बीते दिन शामिल भी हुए थे उनको सुनील पांडे और जो है उनके पुत्र जो विशाल पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए थे। तो यह एक बात दिखाई पड़ रही है तरारी में। और तरारी में देखिए एक ये समझना पड़ेगा, वहां से भाकपा माले, जो भाकपा माले का वह सिटिंग सीट था, तो इस लिहाज से वहां पर आपको राजू यादव का नाम आ रहा है कि राजू यादव वहां से भाकपा माले के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसी तरह से अब चलिए हम लोग बात करेंगे आपको रामगढ़ का। रामगढ़ में देखिए सुधाकर सिंह, जो जगतानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है उनके पुत्र हैं, सुधाकर सिंह इस बार जीते हैं बक्सर से और रामगढ़ सीट खाली हुई है, जिसके कारण तो रामगढ़ सीट पर उनके भाई सुधाकर सिंह के भाई को राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार बना सकती है, नंबर एक। दूसरी बात, वहां से भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधायक अशोक सिंह को वहां से उम्मीदवार बना सकती है, ये एक बड़ी बात है। और प्रशांत किशोर अभी रामगढ़ पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वहां पर भी वो अनाउंस करेंगे वहां पर भी होगा। अब हम लोग चलते हैं बेलागंज, जो सुरेंद्र यादव जो आरजेडी से जीते हैं तो उनके जगह वह सीट खाली हुई है, तो वहां से सुरेंद्र यादव के पुत्र वहां से आपको जैसी संभावना दिखाई पड़ रही है, सुरेंद्र यादव के पुत्र वहां से लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। उनका नाम है सुरेंद्र यादव को डॉक्टर विश्वनाथ लड़ेंगे, और जेडीयू से जो है तो मनोरमा देवी एक्स एमएलसी जो है वह लड़ेंगी वहां से, जो संभावना बनती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुआ, ये जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑफिशियली अनाउंसमेंट, ये संभावित उम्मीदवार संभावित। अब चलिए हम लोग चलते हैं इमामगंज जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, जीतन राम मांझी के एमपी हो गए, वो चुनाव जीत गए और उसके लोकसभा का, उसके बाद नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर है, उनके कारण इमामगंज की सीट जो खाली हुई है सुरक्षित सीट है, उस सीट से आपको डॉक्टर वहां से आपको प्रदीप मांझी उनके पुत्र या उनकी पुत्रवधू दीपा मांझी वो उम्मीदवार हो सकती है। दोनों में से अब डिसाइड करना है जीतन राम मांझी को कि कौन वहां से, यानी कि वो अपनी बहू को भी उम्मीदवार बना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हम तो बता रहे हैं कि तरारीस बता दिया है, बेलागंज बता दिए, इमामगंज बता दिए, अब आपको सब जगह चारों सीट का कमोबेश हो गया, ये चार सीट आपको दिखाई पड़ रहा है, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़, तो ये चार सीट का ये समीकरण आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सर देखिए तीन सीट जो है इसमें से वो इंडिया अलायंस के कब्जे में थी, बिल्कुल, तो कितना फाइट जो है कितना कड़ा देखने को मिलेगा। देखिए हम तो बता रहे हैं कि अभी प्रशांत किशोर अभी एक ही सीट तरारी सीट के नाम की घोषणा की, अभी जो है सो तीन सीट पर भी उनको उम्मीदवार देना है, तो वह निश्चित रूप से वह जनता का नब्ज टटोल रहे हैं, और बिहार में इस बार प्रशांत किशोर कुछ नया करने जा रहे हैं, इसी लिहाज से यह जो है सो वह जो बिहार को बदलना है, अपने बच्चों के भविष्य को बदलना है, यही प्रशांत किशोर का नारा है। और उसी को देखते हुए देखिए जो कैंडिडेट उन्होंने उम्मीदवार जो तरारी में दिया है अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह को दिया है, वहीं के मूल रूप से रहने वाले हैं, और देखिए वह देश की सुरक्षा में आप जो है सो वह उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है, कई सारे ऑपरेशन उन्होंने किए वो एस के सिंह, तो यह इस लिहाज से वह निश्चित रूप से बदलाव जो प्रशांत किशोर करना और करना चाह रहे हैं वह एक मजबूत पिलर देख करके ही वह प्रत्याशी दे रहे हैं। तो चलिए सर देखिए बीते दिनों बिहार में शराब से कई लोगों की जान गई है, हालांकि ये आंकड़ा भी बढ़ भी सकता है, बिल्कुल, क्या लग रहा है इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? देखिए निश्चित रूप से यह बिहार में जिस तरीके से शराब की तस्करी हो रही तो कहीं ना कहीं तस्करी हो रही है, तो तस्करी को रोकने की जिम्मेवारी किसकी बनती है? लेकिन सर ये छपरा और सिवान में बार बार ऐसे मामले आ रहे हैं। वही हम कर रहे हैं, तो ये बाहर से शराब पहुंच रहा है आपके चारों तरफ से, बॉर्डर पास से कैसे पहुंच रहा है, बिहार के अंदर पहुंच जा रहा है, छपरा पहुंच जा रहा है, सिवान पहुंच रहा है या अन्य जिलों में पहुंच रहा है, यह जिम्मेवारी किसकी है?
यह जिम्मेवारी निश्चित रूप से प्रशासन की है, पुलिस की है। तो पुलिस इसमें निश्चित रूप से पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कथित रूप से, तभी जो है सो आपको सराब सरलता और सुलभता के साथ आपको मिल रहा है। और इसी का परिणाम है कि सिवान और छपरा में जो है सो जिस तरीके से जहरीली शराब जो संदिग्ध रूप से जो कही जा रही है, कथित रूप से जहरीली शराब, हालांकि अभी तक देखिए आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह फैक्ट एंड फिगर आएगा कि यह जहरीली शराब से है कि नहीं, लेकिन जो अभी दिखाई पड़ रहा है वह उतनी बात कि 6 लोग जो है सो की मौत हुई है तो वह शराब के कारण, तो यह तो लेकिन हालांकि अभी तो ऑफिशियल पुष्टि आंकड़ा सर ये बढ़ भी सकता है कि कभी कई लोग जो है अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए जो आदमी जहरीली विषाक्त शराब पी लिया हो तो वह आदमी अस्पताल में एडमिट है तो वह जीवन और मौत से जूझ रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हम तो देखिए हमारी जो समझ है हम जो देख और समझ पा रहे हैं निश्चित रूप से इसमें सिर्फ DIG ने भी वहां का रिपोर्ट मांगा है छपरा और सारण के, छपरा और सीवान के SP से, और उसमें कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, चौकीदार पर, ये थाना प्रभारी पर, तो यह सब, लेकिन यह सब आईवॉस है, इस पर ऐसे कार्रवाई से नहीं होगी। इस पर निश्चित रूप से कैसे आ रहा है उसको आपको उद्भेदन करना होगा। बड़ी मछली को क्यों नहीं पकड़ रही? बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात हम करें। और शराब तस्कर कहाँ है, वो कहाँ है, वो कैसे आ रहा है, ये मैटर है, ये मैटर निश्चित रूप से बड़ा मैटर है और इस पर कहीं ना कहीं नजर प्रशासन को और सरकार को देनी होगी तभी जाकर के। और देखिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जन सुराज के संस्थापक हैं, वह कह रहे हैं कि आप हम सरकार अगर यदि जन सुराज की बनेगी तो ये जो है सो हम आधे घंटे में जो है सो शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो निश्चित रूप से देखिए शराबबंदी है उसके बावजूद इस तरीके से इतना बड़ा काम हो रहा है। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, बिहार में पूर्ण शराबबंदी, ये उन्होंने मिसाल कायम किया, बावजूद इसके इस तरीके का हो रहा है, कौन लोग चुनौती दे रहे हैं, यह तो निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को देखने और समझने वाली बात है। तो चलिए कहीं ना कहीं इसके पीछे पुलिस भी जिम्मेवार है शराब से जो मौत हो रही है, हालांकि अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है कि लोगों की शराब से मौत हुई है या फिर कुछ और। देखिए सर पप्पू यादव, उन्होंने जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर खात्मा कर देंगे वो लॉरेंस बिश्नोई का। देखिए निश्चित रूप से लॉरेंस बिश्नोई कौन है, लॉरेंस बिश्नोई कोई महात्मा गांधी नहीं, साबरमती सलमान खान के बॉडीगार्ड भी कह रहे हैं शेरा। बिल्कुल बिल्कुल वही हम कह रहे हैं, साबरमती जेल में गुजरात में बंद है हाँ। और उसके बावजूद वह वहां से बैठे बैठे वह नए नए लड़के को जिसका कहीं कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कनेक्शन सामने नहीं आ रहा क्राइम का, वैसे वैसे लड़के को इस्तेमाल करके वह कांड। अब देखिए बाबा सिद्दीकी जो पूर्व मंत्री थे NCP के बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी, उनकी जो है सो हत्या हो गई, वो ऐसे ऐसे लड़के को लाया और उतने सिक्योरिटी घेरे में रह करके उन पर। तो ये सलमान खान के जो बॉडीगार्ड शेरा जो कह रहे हैं वो जो कि निश्चित रूप से अब सलमान खान जैसे सेलिब्रिटीज जो अब कार्यक्रम करते हैं कहीं जाते हैं तो उसके पहले वह वहां के लोकल लोग से शेरा बात किया करते थे, जो उनका हाँ, पुलिस जो से लोकल हाँ, पुलिस जो उनसे भी बात होती थी हाँ, बात होती थी, जो अभी शेरा की बात आ रही है मीडिया में तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही हम कह रहे हैं। तो वह जब कह रहे हैं कि अब तो जो है सो थोड़ी परेशानी तो है, तो वह अब ओपन में कौन आदमी आ रहा है क्या आ रहा है, तो यह एक बड़ी चुनौती में लॉरेंस बिश्नोई ने दे दी है सरकार के समक्ष। और देखिए बिहार में उसका कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो रहा है, बीते दिनों हम लोग बताए भी थे कैसे गोपालगंज में जो है सो हुआ था, एक मुजफ्फरपुर एक मोतिहारी का दो अब दो लड़का अपराधी पकड़ा गया था जिसके एस्टेब्लिश हुआ कि वह बड़ा जो है सो लॉरेंस बिश्नोई का वो आदमी है। तो यह देखिए कहीं ना कहीं तो ऐसे में पप्पू यादव जो जनप्रतिनिधि है 24/7 जो लोगों के बीच में रहते हैं, कोई भी सुख हो दुख हो जो उनकी पहचान है, और वह कह देना उनकी बात कि हमको दे दिया जाए तो हम जो है 24 घंटे में जो है सो हम जो है सो इस नेटवर्क को खत्म कर देंगे, तो यह अभी तक क्यों नहीं सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। लेकिन सर पप्पू यादव का ऐसा कहना कहीं ना कहीं तो अब उनको भी डर है क्योंकि वो जाते हैं घूमते हैं, वही हम कह रहे हैं ना कि वो पब्लिक डोमेन में रहने वाला आदमी है, वो छिप कर रहने वाला आदमी नहीं है, वो जनता के बीच में रहता है, यही पप्पू यादव की अपनी USP है, अपनी पहचान है वो। और वैसे में उनको जब सुरक्षा नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से ये हाय तौबा बिहार में। और देखिए बिहार के लाल की हत्या हो, ये बाबा सिद्दीकी कौन, बाबा सिद्दीकी बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे, तो वो ऐसे में निश्चित रूप से पप्पू यादव और हम लोग जो भी बिहार के लोग हैं, और ऐसे तो देखिए हत्या तो हत्या है, किसी की भी हत्या हो मैंने वो उसकी निंदा कड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये बेसिकली ये बिहार का आदमी जाकर के मुंबई महाराज जैसे
प्रदेश में अपना एक अस्तित्व बनाया, व्यवसाय बड़ा किया और उसकी पहचान है वहां पर, उसकी हत्या हो जा रही है, तो निश्चित रूप से पप्पू यादव की संवेदना है और पप्पू यादव क्या तमाम बिहार के लोगों की संवेदना है उनके साथ। और अभी तक देखिए पप्पू यादव जो राजेश रंजन पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया सांसद है, अभी तक पुलिस या कार्रवाई कुछ नहीं है कि उनको सुरक्षा दिया जाए, क्या किया जाए, उनका दायरा बढ़ाया जाए। तो अब देखिए जो सलमान खान जैसे लोग जो वाई प्लस की सिक्योरिटी में रहते हैं, वो उनके लोग उनके जो सेरा है वह जो है इस तरह की बात ऐसी बातें कह रहे हैं कि रिस्क है। तो यह तो पप्पू यादव जैसे बेचारे वो तो दिन भर ओपन रहते हैं, तो क्यों नहीं उनको भी तक सरकार। तो ये तो देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं हम लोग उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन इतनी बात तो तय है कि वैसे लोग जो मजबूती के साथ समाज की सुरक्षा समाज के लिए बात खड़ा करते हैं उनको सुरक्षा मुहैया देनी चाहिए। सर लेकिन तेजस्वी यादव देखिए आज अचानक से अपनी यात्रा को रद्द कर दिया, क्या वो कारण है? देखिए तेजस्वी यादव निश्चित रूप से वो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के बड़े नेता हैं और वह बिहार विधानसभा में यहाँ प्रतिपक्ष के नेता हैं, चार सीट पर बिहार में उपचुनाव होने विधानसभा के, और उसके बाद से माने उसी तरह से झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना और इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां पर झारखंड में, और तो वो उनका है कि मैक्सिमम स्ट्राइक रेट वहां पर हो और हमको पटखनी देनी है एनडीए को। तो इस लिहाज से वह आज जमुई में है, उसके बाद वो कार्यक्रम जो उनकी यात्रा 26 अक्टूबर तक चलने वाली थी उसको बीच में ही स्टॉप करके, जो कार्यकर्ता दर्शन और जनता से संवाद का जो उनका कार्यक्रम चलता बीच में स्टॉप करके वह झारखंड की ओर प्रस्थान करेंगे जमुई के बाद आज से। तो चलिए सुना आपने सारी बातों को, झारखंड में जेडीयू को चुनाव चिन्ह मिल गया है, वही उम्मीदवारों को लेकर जो बिहार में उपचुनाव होने हैं उम्मीदवारों को लेकर सीटों का बंटवारा एनडीए की तरफ से कर दिया है, हालांकि अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है कि किसको उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं प्रशांत किशोर ने भी एक सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।